अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेल, आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है और आज का ब्लॉग कैसे होगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है आपने टाइटल से और मेरे थंबनेल से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि आज का मेरा ब्लॉग जो है वो किस टॉपिक पर है। तो मेरे ब्लॉग को ना कहीं स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो ये ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा जो है ग्रैंड होने वाला है और आपको ये ब्लॉग देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि स्पेशली जो है आज मैं जो आउटफिट वेयर कर रही हूँ ना वो बहुत हैवी है और उसी के दौरान में जो है मुझे पकड़ते पकड़ते जो है ब्लॉग भी शूट करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करती हूँ, पता क्या करती हूँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। देखिए भींग कर आए हैं, इतना बारिश, इतना बारिश है ना, साइक्लोन आएगा, साइक्लोन आएगा। लाइए, कुछ तो नहीं आया, ना साइक्लोन आया ना कुछ आया, है ना। वैसे जो ना कल से सुन रही थी कि है दाना आने वाला है, दाना आने वाला है, लेकिन दाना आना कुछ भी नहीं था। ऐसा जो कुछ होना था वो उड़ीसा में हो गया है। कोलकाता पे जो है बहुत बारिश हो रही है, कल भी हो रही है, आज भी एकदम हो रहा है सुबह से बारिश। वेल, देखते हैं क्या होता है। और एक्चुअली ना ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन था, तो इस पर कोई ऐसे बात नहीं थी। अगर ये सुपर साइक्लोन होता ना तब जो है ना आप सबको पता चल जाता कि अल्लाह की कुदरत में कितनी ताकत होती है ना, कि एक पेड़ को जो क्या एक वो जो खम्भा होता है ना जिस पर लाइन वगैरह जाते हैं वो तक उड़ा कर फेंक देता है। तब समझ सकते हैं भाई कि अल्लाह ने जो है कुदरत पे कितनी ताकत है, कि कुदरत के आगे किसी का इख्तियार नहीं होता है। हम लोग तो भाई इंसान हैं। पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा, ख़तरनाक। चलिए देखते हैं, लेकिन वेडिंग का भी आपको दिखाना है ना, तो जाहिर से बात है, बस देखते हैं क्या होता है। तो ये है मेरा आज का वेडिंग का आउटफिट, ग्रे लहंगा और ये आपका सिल्वर कलर का सैंडल स्टोन वाला, और ये न्यू रिस्ट वॉच मैंने ब्लैक कलर का लिया है, ब्लैक ज्वेलरीज है। और कैसी लग रही कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इकरा, तुम आओ, इकरा भी आज लहंगा वियर की है, एकदम न्यूली लहंगा आज वियर की है वो। और ये इकरा का आउटफिट है, उसका सैंडल्स वगैरह है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये इकरा का जो है, थोड़े से पीछे आ जाओ, हाँ थोड़े से पीछे आओ। ये इकरा का है पूरा आउटफिट, तुम प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हो, रुको एक सेकेंड। ये इकरा का ब्लैक कलर का सैंडल है और ये इकरा का लहंगा, देखिए ये ब्रेसलेट। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। और इफ्रा जो है वहीं से, यानी कि वो शूट से पूरा रेडी होके वो वहाँ पहुँचेगी। तो चलिए भाई, मेरे हस्बैंड भी जो है वो भी फ्रेश हो रहे हैं, तो हम लोग निकलते हैं। चलो बैठो, चलो बैठो। 9 बजे से जो है कंटिन्यू कैब बुक कर रहे थे हम लोग, और जो है अभी जो है रात के बज रहे हैं, पूरे 11 बजने जा रहे हैं, और अभी हम लोग 2 घंटे के बाद में कैब मिला है। क्योंकि जो है आपको पता है साइक्लोन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, कोलकाता पे हर एक जगह बारिश भर गई है, और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना कैब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वेल, फाइनली मिल गया है कैब और हम लोग जो है वेडिंग हॉल के लिए निकल गए हैं। तो चलिए भाई, अब देखते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का एम्बियंस कैसे है। तो चलिए, फाइनली हम लोग एक ग्रैंड वेडिंग में आ चुके हैं, और ये है एक बड़ा सा स्टेडियम जिसका नाम है धोनू धोनिया, और इसे हमारे बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बनाया है। और इसका एम्बियंस कैसा है तो चलिए भाई आपको दिखाती हूँ। सो वेलकम द वेडिंग सेरेमनी ऑफ कैकशा विद इकलाक, आज है 25 अक्टूबर, और ये है पूरा एम्बियंस, टू गुड।
एज यू कैन सी, देखिए जैसे मैं अंदर इन की ना अपनी फैमिलीज़ के साथ में, यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे मोजीटोज़ पर, जैसे कि लेमन है आपका, ब्लू बेरीज़ है और जीरा मोइतोज़ है, बहुत सारे यहाँ पे मोजीटोज़ थे, आई डोंट नो क्या क्या थे। इकरा बैठो, हम थोड़ा वहाँ से ले। ये है दूल्हे का शामियाना जो काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और बस निकाह की प्रिपरेशन शुरू होने वाली थी तो यहाँ पर जो है इमाम साहब लोग आ चुके थे। ग्रैंड वेडिंग में आएंगे ना तो आपको डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलेंगे, स्पेशली वेज नॉन वेज। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शाही पराठा है, फैमिली बटर नान, मुझे नहीं पता था कि फैमिली बटर नान भी होते हैं, नवरत्न कोरमा है और चिकन बटर मसाला है, बहुत सारे यहाँ पे जो है मेन कोर्स थे, मटन ईरानी कोरमा और स्पेशली मटन बिरयानी। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है जेंट्स वाले भी सेक्शन पे थे और लेडीज़ वाले सेक्शन पे भी थे, तो मैं आपको वन बाय वन करके जो है दिखा रही हूँ। फिलहाल तो अभी मैं आपको जेंट्स वाले सेक्शन की जो है आपको दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग में कि क्या क्या फूड्स स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा जायका लग रहा था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी था। और फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे सबसे पहले ना अपना ब्लॉग कवर करना था, क्योंकि ज़्यादा देर होने से ना ये सारे जो है फूड के प्रॉपर तरीके से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाती। तो भाई मैंने सोचा कि पहले भाई खाना पीना तो होता रहेगा, पहले आपको जो है क्या क्या आइटम्स है, शाही पराठा वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से। रसगुल्ला तो आपको पता है ये कोलकाता का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्वीट्स है, और गाजर का हलवा ये तो विंटर का जो है जान होता है, लेकिन अभी जो है विंटर की शुरुआत नहीं हुई है। गुलाब जामुन है, इसके अलावा जलेबी अगर कोई पसंद करता है तो उसकी भी जो है पसंद की पूरी तरीके से यहाँ पे जो है वेडिंग में ख्याल रखा गया है। और ये है आपका SS कैटरर, उनका जो है ये आपका देख सकते हैं शमीम बावर्ची है, और यहाँ पर भी है पराठे हैं, नान थे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे थे, और बहुत सारे कुछ थे, मतलब मैं खुद भी ना होपलेस हो रही थी मैं आपको क्या दिखाऊं। और यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे चिकन के यहाँ पे फूड्स थे, आई डोंट नो क्या था ये। और शादी में तो आपको पता है घोल है ये सब तो मिलता है, लेकिन सैलेड की वैरायटीज़ की बात करें ना, बहुत सारे सैलेड थे, बहुत सारे मुझे नहीं पता कि कौन कौन टाइप के सैलेड्स हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कलरफुल थे, अच्छा लगता है भाई इस टाइप के जो है फूड्स वगैरह देखने में, स्पेशली शादी में अगर आते हैं, और अगर ग्रैंड शादी हो ना तो ग्रैंड शादी में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप के फूड्स। लेकिन हर कुछ जो होता है ना, मतलब एक लिमिट्स में अच्छा लगता है, जैसे कि है तवा पराठा है, मटन गुलाटी है, चिकन शेजवान है, तो बहुत सारे जो है स्टार्टर्स वगैरह भी थे। और मैं और मेरी फैमिलीज कैसी है, मतलब थोड़े से खाने के बाद मेरा पेट भर जाता है, और लगभग लगभग अमूमन जो है मेरे व्लॉग कवर करते करते काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था, कोई मसला नहीं, स्पेशली मुझे व्लॉग बनाना था अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो यहाँ पे फिश के भी बहुत सारे आइटम थे, इसमें क्या है, ये भी मटन हलीम है, ओके चलिए गरम गरम मटन हलीम, वाह इस पे चाय है, इस पे ओ ये दोनों पे कॉफ़ी है, ओके गुड, दही बड़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी है ना यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का चटनी है ना, और ये दही है। एक लग्जरियस वेडिंग में अगर आप आते हैं ना तो वहाँ पर स्पेशली जो है बारातियों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है, स्पेशली जो है सारे जो है कैटरर को जो है अरेंजमेंट्स वगैरह सौंप दिए जाते हैं। और चाट से रिलेटेड बात करें ना तो ये लेडीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, डिफरेंट टाइप्स की जो है मीठे खट्टे टाइप के चाट्स थे। और यहाँ पर जो पानी पूरी वगैरह भी देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉपर के जो है बर्तन पर जो है आपको दिए जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके की जो है
बरातियों को स्पेशली हार्म ना हो भाई, तो हर तरीके से ना इंतज़ाम जो है बेहतरीन से बेहतरीन किए गए थे यहाँ पर, इस पर जो है कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कितना देर हो रहा है, लाओ ओके। एक्चुअली हम लोगों को तब से कैब ही नहीं मिल रहा था, बहुत महंगा कपड़ा था। ओके ऑल राइट, हम खुद भी डिसबैलेंस हो, तुम्हारे लिए तो वेट कर रहे थे और तुम ही इतना लेट करके आई। ओके पानी क्यों भरा हुआ इतना, नहीं पता। चलो चलो ऊपर चलो। सो कैसे लग रही इफ्रा भाई, आज का इफ्रा का ये है ब्रांड वेयरिंग का इफ्रा का। वेल चलो अंदर चलो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ अभी लिए नहीं है, फिलहाल तो जूस लिए हैं और चलो। कबाब है, कबाब कबाब खाने हो, इफ्रा का खाने वो भी चीम खाने नहीं चाट। चलो ये है मटन हलीम, मटन हलीम अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लग्जरियस है। ये वेडिंग हॉल का 3 नंबर वाला गेट है और इस गेट के अंदर जो मैं इन कर रही हूँ ना, तो यहाँ का भी सेम टू सेम वैसे ही फूड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मिनरल वाटर्स है यहाँ पर, बटर स्कॉच आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, मतलब के हर तरफ में दोनों वाले सेक्शन में लेडीज़ या जेंट्स वाले सेक्शन में सेम टू सेम वैसे ही जो है फूड्स के जो है इंतज़ाम किए गए थे और बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम थे। मतलब हम लोग ने ना बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स होकर जो है खाना पानी हम लोगों ने खाया, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ जो है अपने सब्सक्राइबर को ना अच्छा वीडियोज़ प्रोवाइड करना है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ, तो यही बोलती हूँ कि आप लोग भी ना अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और पापड़ और चटनी ये भी मेरा फेवरेट है, लेकिन मतलब बदकिस्मती से मैं खा नहीं पाई, क्यों कोई मसला नहीं है, खाना पीना कोई मैटर्स नहीं करता है, कोई अगर आपको प्यार से इनवाइट करे ना वही आपके लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। और मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है ना जिनके साले साहब की शादी थी, तो उन्होंने ना बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से हम लोगों को इनवाइट किया था और हर एक शादी में, इवन यहाँ तक कि जब शादत की शादी भी हुई थी ना उसकी शादी पर, फिर उसकी कज़न की शादी पे, फिर उसके साले साहब की शादी पे हम लोग आए। और देखिए दुल्हन वाला जो सेक्शन है ना ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। दोनों धोनिया स्टेडियम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको सारे नॉलेजेस मिल जाएंगे। और स्पेशली ना बारिश की वजह से ना ऊपर का जो लाइट्स है, यानी कि ऊपर के जो लाइट्स थे स्टेडियम के, वो बंद थे, नहीं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन साइक्लोन की वजह से ना बहुत बारिश हो रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी के लिए, बच्चे कहाँ? वालेकुम सलाम, तुम्हारी बेटी के बारे में माशाल्लाह बोले थे ना, वो इतनी क्यूट भी है, अभी देखे हम इसको, और फुप्पी के गोद में। अम्मी कहाँ है? सलाम वालेकुम। ब्राइड का सेक्शन कैसा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और फिलहाल जो है दुल्हन की जो है निकाह हो चुकी थी और बस यहाँ पे है उनका जो है बाकी का जो है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो जो है पूरा किया जाएगा बाद में। और ये जो एक ब्राइड का जो ये सेक्शन है ना ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा, लगभग 5000 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, काफ़ी बड़ा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। कोलकाता पे इतनी बारिश हो रही थी ना, और वेडिंग पे अगर आपको जो है कुल्फ़ी फालूदा आइसक्रीम या आइसक्रीम मिल जाए तो भाई और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और आप जानते हैं कि मैं न्यू मार्केट भी जाती हूँ तो कुल्फ़ी आइसक्रीम बहुत शौक से खाती हूँ, तो ऐसे स्पेशल मोमेंट को मैं स्किप नहीं करना चाहती। लाए हाँ मैं देखो खा रहे अपने, अभी बोले हम खाना खा के खाएंगे, अभी खा ली तुम, और देखो आइसक्रीम खा रहे हैं, देखिए इकरा, और ये भी बोली हमको कि हम खाना खाने के बाद में खाएंगे, लाए वो भी खा ली ना। माशाल्लाह इफ्रा का सब, इफ्रा के ऊपर में सब का नज़र है। हाँ हाँ इकरा भी माशाल्लाह प्यारी लग रही हो,
गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और क्या है, जलेबी ले आइए। और आप क्या खा रहे हैं? कोरमा, मटन कोरमा। कोरमा और यहाँ पर मेरा बिरयानी लाए, लेकिन सैलेड सब खत्म। मलाई नहीं है, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम यस। और हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये बटर स्कॉच है ना। वाह, दूर से लगे कि ये रसमलाई है। वेल, कुछ भी हो, आइसक्रीम चले चले आइसक्रीम चले। क्या लाए हो? कोल्ड ड्रिंक मिले आए हैं। और कुछ नहीं। एकरा का खा रही है, आइसक्रीम खा रही है। नहीं आती मिला लो हमसे। चलो, बहुत अच्छा इंतजाम था शादत। तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी। हाँ जी, तुम्हारे ही बचपना है और क्या। तब बोलो, जब गोल गोल माशाल्लाह उसका आई है। बोलो, मैं इकरा कहीं भी आती हो वॉशरूम ज़रूर जाती हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, शॉपिंग मॉल हो, कहीं भी है ना। अच्छा है, एयर ड्रायर हो गया। कैब तब से बुक नहीं हो रहा है, हो गया। तुमको भूत बनने का शौक है? वो तो हम ही किए ना, आफ्टर ऑल हम जो है हेयर स्टाइलिश है, हेयर कटिंग में हम खुद भी ब्यूटिशियन सीखे हैं बाबू, तभी इतना अच्छा हेयर कट करते तुम्हारा। मेकअप क्या बाबू, मैं हाथ लगाती हूं। और इकरा 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 देखिए, इकरा इकरा देखो ना, फूल लगाई भी। वो 90s का हीरोइन बन गई है इकरा। हाँ मम्मा, जल्दी कीजिए, 2 बजने जा रहा है। हम लोग क्या यहीं रुक जाए क्या आज? ऑडिटोरियम में सो जाएंगे। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज का जो वेडिंग था ना, दैट वाज वेरी ऑसम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे वेडिंग्स अगर हमेशा हम लोग आते रहे ना, यानी कि इनविटेशन ऐसा ग्रैंड वेडिंग आते रहे ना, तो भाई मज़ा आ जाता है। और आप लोगों को भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वेल, आपको पसंद अगर आए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और बहुत रात हो चुका है, वेल रात के बज रहे हैं, लगभग 1:30 हो रहे हैं, और अभी तक जो है हम लोगों का कैब नहीं बुक हुआ है, यानी हो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। वेल, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस घर के लिए निकलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बस दुआ में याद रखिएगा। यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और इफ्रा कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे फैमिलीज भी आज कैसे लग रहे थे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह खैर। बाय। यही वाला है ना, 3192। नहीं, यहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, वहीं बैठ जाते, चलो। नहीं नहीं, मम्मी बैठेगी ना बेटा, कहीं भी बैठ जाओ बेटा, प्लीज जल्दी एडजस्ट कर लो। दिस ग्रैंड वेडिंग सीजन, आई रियली टोल यू, इसके मेमोरीज़ को ना मैं अपने साथ कैप्चर करके लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे वेडिंग्स अटेंड करके। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।